और उधर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मदद नहीं कर रही है। वैक्सीन लगाने को लेकर छत्तीसगढ़ को अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल जैसी श्रेणियों में बांट दिया गया है, जिसकी आलोचना भी हो रही है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई है। ज्ञानेंद्र तिवारी ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बात की है, सुनिए क्या जवाब है उनका। टीका भेज दीजिए, कमी है, लोग आ रहे हैं और लाइन लगाकर वापस जा रहे हैं, हर राज्य में यही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये कह चुके हैं कि आप ले लीजिए जिम्मेदारी, लगाइए टीका, हम तैयार हैं व्यवस्था करने के लिए। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साहब। अब आप लोग एक ऐप बनाए हैं, सीजी टीका ऐप, अभी मैं ग्राउंड में घूम रहा था सर, और लोग रजिस्ट्रेशन तो करा रहे हैं, लगेगा कब टीका, इसका उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है, कैसे होगा ये पूरा सिस्टम? स्थिति वाकई में टीका की कमी की भी है और संख्या की, एक अनुपात जो दिया गया है 20%, 12%, 52% और 16% क्रमशः फ्रंटलाइन वर्कर्स, अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल के लिए, इनकी सीमा अभी रखी गई है कि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे जिस वर्ग के हैं उस दिन का कोटा जैसे ही आ जाता है, मान लीजिए 20% आ गया अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का, तो रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा प्रतिदिन का। ये ऐप चालू हो रहा है, स्वाभाविक है कि शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं कोई अड़चनें भी रहती हैं, उनको देख समझ के हम इस प्रक्रिया को अपडेट भी करते जाएंगे और सरल और लोगों के मनसानुरूप बनाने की कोशिश करते जाएंगे, लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी कि एक बार एक दिन का कोटा, उतने तक रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर लिया तो वो वहां पर स्टॉप हो जाएगा और वो फिर रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा। सर, ये एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय क्यों करना पड़ा, इसकी आलोचना भी हो रही है कि भाई बीमारी तो देख के आती नहीं है। बीजेपी कह रही है कि अब कोर्ट ने भी कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, फिर सरकार ने टीकाकरण बंद कर दिया, करना क्यों पड़ा, आपको लगता है ये ठीक है? कठिन सवाल है। स्वाभाविक रूप से तो देखिए यूनिवर्सल होना चाहिए टीकाकरण, हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये सबके लिए आप खोल दो, कभी ये बात नहीं आई। पार्टी ने भी, सोनिया जी ने भी, राहुल जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी जो बात रखी यही रखी थी शुरू से, हम लोग सब ने रखी थी कि सबके लिए आप लगाइए। जब टीकाकरण प्रदेश के पाले में डाल दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो हमको टीके नहीं मिल रहे थे, इतनी कम संख्या में टीके मिल रहे थे कि बात ये थी कि हम चालू भी कर पाएंगे कि नहीं। पहला लॉट आया था, खेप आया था 1.5 लाख टीकों का, अब हमको करना था 1.25 करोड़ लोगों की टीकाकरण, 1.25 करोड़ में हम 1.5 लाख किनको चुने? उस परिस्थिति में यह हुआ कि अगर चुनना ही पड़ रहा है, इतना दबाव है कि किसको चुने, तो जो सबसे समाज में पीछे की, नीचे की सीढ़ी में है उनसे चालू कर देते हैं, उनको प्रभाव भी ज्यादा हो सकता है, तंग बस्तियों में भी रह सकते हैं, संक्रमण के शिकार भी हो सकते हैं, तो वहां से चालू कर देते हैं। चालू की बात थी, प्राथमिकता देने की बात थी, कोई नीति नहीं बनी थी ऐसा, केवल प्रायोरिटी किसको दें, तो प्रायोरिटी उनको दी गई थी। अच्छा सर, अंतिम सवाल बहुत संक्षिप्त में, आपने कहा, आपका बयान है कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है उसमें सीरम कॉपरेट नहीं कर रही है, पहले पैसा मांगते हैं, ऐसी भी स्थिति आ रही है? हाँ, ऐसी स्थितियां हैं, प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सुचारू रूप से चल सके। जैसे भारत बायोटेक है, वो सहयोगात्मक रूप उनका लगा, पैसे की भी बात है, उन्होंने पहले कहा भी कि एडवांस दीजिए, हमने कहा कि नहीं, सप्लाई के बाद अगर आप ले लें पैसा तो मान गए, उन्होंने कहा कि हमको कम से कम इतने दिन में दे दीजिएगा, लटकाइएगा मत पेमेंट, 10 दिन में दे दीजिएगा, हम संतुष्ट हैं। ऐसा काम होना चाहिए इतनी बड़ी महामारी में, और सीरम इंस्टीट्यूट को भी आगे आके, अभी वो एडवांस कह रहे हैं तो ठीक है, जितना को सप्लाई के लिए वो कमिटमेंट करते हैं, हमने तो 75 लाख टीके के लिए उनको कहा है, 50 लाख कोवैक्सीन के लिए हमने भारत बायोटेक को कहा है, तो जितना वो कहते हैं कि हम 2 लाख देंगे, हम 3 लाख दे देंगे, हम 5 लाख इस तारीख को दे देंगे, तो हम उनको उतने का एडवांस देते चले जा रहे हैं और उतने टीके फिर आते हैं। तो कुल मिलाकर टीकाकरण की परेशानी तो है, प्रयास राज्य सरकार भी कर रही है और केंद्र, और इंतजार कर रहे हैं कि कंपनियां कब यहां पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भेजें जिससे टीकाकरण सुचारू रूप से चल सके। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज रायपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।